डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना है और तभी मैंने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई सोशल पॉलिसी और डेवलपमेंट में ही की और मैंने एन में ही स्पेशलाइज किया तो मैंने वो सोचते हुए अपनी मास्टर्स की पढ़ाई की कि वापस आना है अगर डेवलपमेंट का काम करना है तो इससे अच्छी जगह कहाँ होगी काम करने के लिए एक बार आप इस काम में घुस जाएँ तो आई थिंक मन तो बहुत uh, लग जाता है और वो इम्पैक्ट बहुत ही पास दिखता है आप खेल के माध्यम से हम फुटबॉल हैंडबॉल कबड्डी साइकिलिंग और एथलेटिक्स इन पांचों स्पोर्ट्स पे काम करते हैं एजुकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट uh, एस्पेक्ट है जो सारे कामों को टाई करता है एक साथ नमस्कार आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं मैं हूँ गरिमा भारती बिहार से दूर रहकर बिहार की कमियों को गिनाना बहुत आसान है लेकिन बड़े शहर को छोड़कर कर यहाँ पर आकर यहाँ की कमियों को ठीक करना इसे सुधार देना हर किसी के बस की बात नहीं होती है लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो ख़ास होते हैं इन चीज़ों को समझते हैं और इसकी शुरुआत भी करते हैं और परिवर्तन की ओर अपना कदम भी बढ़ाते हैं हमारे साथ सेतिका सिंह हैं परिवर्तन नाम का एक एनजीओ चलाती है जिसने एक पूरे इलाके का कायाकल्प कर दिया आपका लाइव सिटीज़ में बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू थैंक यू सो मच करीमा सबसे पहले मैं परिवर्तन के बारे में ही जानना चाहूँगी बाद में आप पर आएंगे कि परिवर्तन क्या है कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और ये क्या काम करें जी बिल्कुल आ, परिवर्तन तक्षिला एजुकेशन सोसाइटी की एक ग्रास रूट्स पहल है आ, ये एक आ, इसको आप एक समेकित आ, ग्रामीण समुदायिक विकास के लिए हम काम करते हैं जिसको हम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट कहते हैं यहाँ हमारी कोशिश ये है कि समुदाय से ही जो जरूरत ज़रूरतें निकल कर आती हैं उन चीज़ों पर हम काम करें समुदाय को अच्छे से समझें और हम नरेंद्रपुर गांव में परिवर्तन का एक कैंपस है या एक रिसोर्स सेंटर है जी बिल्कुल सिवान ज़िला में और हम सिवान ज़िला के ही अराउंड तीस गांव में काम करते हैं आ, नरेंद्रपुर से अगर आप ले लें तो छः से आठ किलोमीटर की दूरी में ये सारे गांव पड़ते हैं और इन्हीं गांव में हम आ, शिक्षा पर आ, महिलाओं के साथ आ, किशोरियों के साथ आ, सामुदायिक खेल पर सामुदायिक थिएटर पर एक हमारी रंगमंडली है उस पर काम करते हैं कृषि पर काम करते हैं और लाइवलीहुड एक बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हम उस पर भी काम करते हैं तो इन अलग अलग वर्टिकल्स कहें या एक अलग अलग थीम्स को लेकर किस तरीके से हम हर गांव में हर घर में घर पे जाकर सबसे बेहतर काम कर सकें उनकी ज़रूरतों को समझें और डेवलपमेंट की तरफ परिवर्तन की तरफ कैसे काम करें ये ये हमारी कोशिश है परिवर्तन 2011 में स्थापित हुआ था इसका कैंपस उस टाइम पे हमने तक्षशिला ने इसकी शुरुआत की थी मेरा जुड़ाव परिवर्तन से 2016 से रहा है और पर नरेंद्रपुर गांव मेरा मेरा गांव भी हुआ ये मेरा एंसेस्ट्रल विलेज भी है मेरे दादा का घर है यहाँ पे तो हमेशा आना जाना यहाँ लगा रहता था तो एक जुड़ाव बचपन से है परिवर्तन के साथ बट जो काम की मैं बात कर रही हूँ जो ग्रामीण विकास की मैं बात कर रही हूँ उस पर मैंने काम करना 2016 में परिवर्तन पर शुरू किया आ, जब शुरू शुरू में हमने काम करना शुरू किया तो यहाँ पे कुछ एक दो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम हमने उसके साथ शुरुआत की थी तो यूथ फॉर चेंज एक प्रोग्राम था हमारा जहाँ हम गाँव के यूथ के साथ हम क्या बदलाव लेके आ सकते हैं किन इश्यूज़ पर काम कर सकते हैं किस तरह वो खुद अपने गांव में इन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई कर कर उस पर काम कर सकते हैं इस तरीके से ये काम शुरू हुआ था फिर धीरे धीरे एक नाट्य मंडली खड़ी हुई आसपास के गांव के पंद्रह सोलह लड़के लड़कियों के साथ हमने बहुत मेहनत की है किस तरीके से हम थिएटर म्यूज़िक फोक म्यूज़िक इन चीज़ों को एज ए प्रोफेशन देख सकें इसको सीरियसली ले सकें uh, अभी भी गांव में uh, ये समझ है आ ये तो नाच गाना होता है हमारी लड़कियां क्यों करेंगी ये uh, लड़के जाके इससे कुछ कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे तो वो सोच को बदलना उस उसी तहत हमने रंगमंडली में काम करना शुरू किया uh, कुछ uh, इसी का उदाहरण लेते हुए कि कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनके साथ ये काम शुरू हो पाया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक अलमनाई है आशुतोष जी उन्होंने हमारे हमारे साथ जुड़े वो और तब ये रंगमंडली शुरू हुई उन्होंने लड़कियों लड़ लड़के लड़कियों के साथ बहुत समय बिताया उनको समझने की कोशिश की उनके परिवार को आ, उनके परिवारों के साथ बात किया समझा कि थिएटर और म्यूज़िक में भी आ, एक प्रोफेशन है आ, ये भी एक बहुत सीरियस करियर चॉइस हो सकता है और इससे बहुत आ, बहुत चीज़ों को बदला जा सकता है लोगों की सोच बदली जा सकती है तो आज के दिन पे हम मंडली में अलग अलग गांव में जाकर नु, नुक्कड़ नाटक करना कोविड के दौरान ही हमने कोरोना पर एक बहुत ही मज़ेदार नाटक तैयार किया और कैसे हंसी मज़ाक में भी उन सीरियस चीज़ों को समझा जाए आ, उस बीमारी को समझा जाए उससे कैसे क्या इम्पैक्ट हुआ है आ, या वैक्सीनेशन का क्या इम्पोर्टेंस है तो इस तरीके से अलग अलग इम्पोर्टेंट थीम्स या सब्जेक्ट्स को लेकर नुक्कड़ नाटक तैयार करना और इसके अलावा हमारे भी जो बिहार के फोक गाने हैं फोक थिएटर हैं चाहे हम आ, भिकारी ठाकुर का नाम तो हम जानते ही हैं वैसे जो भी उन चीज़ों पर रिसर्च करना गांव जा जा कर कुछ ऐसे लोगों से बात करना जिनके पास अभी भी वो गाने हैं अभी भी वो कहानियाँ हैं और उसी के बेसिस पे ऐसे नाटक तैयार करना गाने तैयार करना तो जैसे इस तरीके से एक रंगमंडली शुरू हुई और आज के दिन पे ये रंगमंडली दिल्ली हो मुंबई हो मध्य प्रदेश हो बहुत जगह परफॉर्म कर चुकी है आ, आ, ट मुंबई में इनका परफॉर्मेंस हुआ जहाँ उन्होंने हमें इन्वाइट किया कि नहीं हम चाहते हैं कि ये आके यहाँ परफॉर्म करें आ, तो ऐसे बहुत सारे आ, मतलब धीरे धीरे और लिए आ, हमें रियलाइज़ हुआ कि आ, जो ज़रूरतें हैं उस पर कैसे काम हो सकता है किन लोगों के साथ काम किया जाए और आज ये पाँच या छः साल बाद वो नाट्य मंडली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल ग्रुप है जो थिएटर और गाने गानों पर काम करती है तो, काम तो आप बहुत सारा कर रही हैं इससे समझ में आता है एक कॉमन सा सवाल है अभी जैसा कि बिहार का परिदृश्य है यहाँ पर बच्चे पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं टेंथ के बाद बाहर जाते हैं और फिर वहीं रह जाते हैं और हम लोग कई बार ये कह भी चुके हैं कि बिहार अब बूढ़ों का प्रदेश हो गया है यहाँ पर छोटे बच्चे या फिर जो यंग जनरेशन के लोग हैं यूथ नहीं रहते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर अपना भविष्य स्कोप नहीं नज़र आता आपने लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की फिर कैसे लंडन से मन किया कि आप यहाँ पर आकर रहें और यहीं पर काम करें यहाँ के लोगों के लिए काम करें ये कैसे संभव हो पाया जी आ, नहीं इसमें मैं कहती हूँ कि मैं बहुत लकी रही हूँ जैसे मैंने आपको बताया परिवर्तन जहाँ हम काम करते हैं आ, ये मेरा एंसेस्ट्रल गांव भी है हमारे आ, हमारा परिवार भी यहाँ था और इसीलिए वो जुड़ाव हमेशा बना रहा आ, मैंने पढ़ाई भी ये सोच के की थी कि मुझे डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना है तो मैं ये सोच के आ, बाहर पढ़ने नहीं गई थी कि हाँ मैं कोई नौकरी ढूँढूँगी या कुछ मुझे ये था कि मैं जो पढ़ाई करूं उसको बहुत अच्छे से करूं क्योंकि मेरा मन इसी Uh, इसी सेक्टर में लगता है बल्कि शुरुआत मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री जी 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 बिल्कुल और ये थोड़ा सा आ, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं लकी थी कि मुझे पे चेक के लिए काम नहीं करना था कि मेरी फैमिली सपोर्टिव थी आ, मुझे पता था कि अगर आ, मैं ये सेक्टर में काम करती हूँ कुछ दिन स्ट्रगल करती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे खाने पीने के लिए लड़ना पड़ेगा तो वो सपोर्ट था फ़ैमिली का और सिर्फ़ इसके लिए नहीं कि पे चेक के लिए काम नहीं करना वो सपोर्ट था कि ये काम करना चाहिए आ, वो इंस्परेशन मुझे अपने ग्रैंड अपने फ़ादर से हमेशा मिली कि किस तरीके से अगर हम ऐसे पोजिशन में है जहाँ हम कर सकते हैं तो हाउ डू वी गिव बैक हम वापस कैसे अपने गांव के लिए अपने समुदाय के लिए या अपने देश के लिए कैसे काम कर सकें तो पढ़ाई मैंने अंडरग्रैड में इकोनॉमिक्स की की और उस टाइम मैंने कुछ बैंक्स में भी इंटर्नशिप्स किया और मैंने कुछ एन जी ओज़ उस टाइम पर मैंने प्रथम के साथ प्रथम एक बहुत बड़ी एन जी ओ है जो एक एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर करके भी निकालती है तो उनके साथ भी मैंने इंटर्नशिप की तो डिसाइड किया नहीं मुझे डिवेलपमेंट सेक्टर में काम करना है और तभी मैंने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई सोशल पॉलिसी और डेवलपमेंट में ही की और मैंने एन में ही स्पेशलाइज़ किया तो मैंने वो सोचते हुए अपनी मास्टर्स की पढ़ाई की कि वापस आना है अगर डेवलपमेंट का कर, काम करना है तो इससे अच्छी जगह कहाँ होगी काम करने के लिए और मुझे लगता है कि हमें भी सोचना होगा कि यूथ क्यों यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं क्या हम उनको वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं क्या वैसे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं सबको अपने मतलब लगता है कि मेरे प्रोग्रेस के लिए मैं क्या करूं तो अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ अवेलेबल नहीं हैं तो यूथ जाएंगे वो मेरी पोजीशन थी और मेरा सिचुएशन था कि मैं लकी थी कि मैं एक तरीके से उस गांव में इतने बार जा चुकी थी मेरा जुड़ाव था एक कंफर्ट था और मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी कि ये काम करना है आ, बट सबके लिए ये आसान नहीं है अगर आपकी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है बड़ी बात है कि खुद को मना पाना कि हमें यही करना है। बिल्कुल आ, पर ऐसे मतलब ये काम करने में एक अलग मज़ा है आ, ये डेस्क और ऑफिस में बैठकर ऐसा नहीं होता है कि आप देख नहीं सकते हैं आप क्या काम कर रहे हैं यहाँ आप फील्ड पे देखते हैं आप देख सकते हैं कि आपने जो काम किया उससे उस परिवार में उस महिला को या उस लड़की में क्या बदलाव आया उसके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन चेंज हुआ तो एक एक बार आप इस काम में घुस जाएँ तो आई थिंक मन तो बहुत आ, लग जाता है और वो इम्पैक्ट बहुत ही पास दिखता है आपने रंगमंच की बात की लेकिन जहाँ तक जानकारी हमें प्राप्त हुई है तो आप हस्तकरघा के लिए भी काम करते हैं और कई सारी चीज़ें जो अलग अलग सेक्टर्स में आप करते हैं मैं चाहूँगी कि आप जी, आ, वो बढ़ी। बढ़ी। तो जैसे आपने कहा लाइवलीहुड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा और इसके अंदर हम बुनाई पे सिलाई पे और अर्दन वेयर पे मिट्टी के काम इन तीनों पे काम करते हैं और पर्सनली पिछले कुछ सालों से मेरी ये कोशिश रही है कि किस तरीके से एक बात अलग है कि हम उनको वो आ, स्किल सिखा दें उनको बुनाई कैसे करना है या सिलाई कैसे करना है बट उसके बाद एक मार्केट भी क्रिएट करना पड़ता है कि किस तरीके से जो प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे जब तक वो एक मार्केट में नहीं पहुंचेंगे तब तक वो काम की डिमांड नहीं होगी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमने परिवर्तन में की है कि हमने सिर्फ महिलाओं के साथ बुनाई और सिलाई का काम किया है और ऐसी महिलाओं के साथ जिन्होंने कभी भी बुनाई नहीं की है पहले तो हमने शुरू से उनकी ट्रेनिंग और आ, ईच एंड एवरी जो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स है ट्रेनिंग से पहले उनके साथ बातें करना समझना घर की स्थिति क्या है और एक ऐसा मॉडल क्रिएट किया है जहाँ वो आधे दिन काम करती हैं और आधे दिन घर का काम भी संभाल सकती हैं तो जो बुनाई आ, का यूनिट है वो पाँच घंटे के शिफ्ट पे चलता है तो तभी धीरे धीरे हम ये सारी चीज़ें जैसे मैंने कहा समुदाय को समझना कि महिलाओं की क्या ज़रूरत थी उनकी ज़रूरत थी कि काम भी होना चाहिए घर कुछ पैसा भी ले जा पाएँ पर घर का काम भी उनको देखना है तो ये फाइव आवर शिफ्ट्स में हमने लाइवलीहुड का काम शुरू किया और आज के दिन पे सब रंगी ब्रांड के अंदर इनके सारे प्रोडक्ट्स साड़ीज़ दुपट्ट बहुत सारे एक्सेसरीज़ अब हम लार्जर मार्केट को लेके जा रहे हैं लाइवलीहुड एक वर्टिकल हुआ मैंने आपको रंगमंच के बारे में बताया कृषि पे हम बहुत काम करते हैं बिल्कुल और इसके अलावा हम सामुदायिक खेल पे काम करते हैं जो एक स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी है जहाँ खेल के माध्यम से कुछ बच्चों के साथ और यूथ के साथ ऐसे सब्जेक्ट्स पे काम करना जैसे सोशियो इमोशनल लर्निंग अपने आप को समझना अपने पेयर्स को समझना शिक्षा के इम्पोर्टेंस खेल के माध्यम से फुटबॉल और हैंडबॉल के माध्यम से और आज के दिन पर हमारे हम फुटबॉल हैंडबॉल कबड्डी साइकिलिंग और एथलेटिक्स इन पांचों स्पोर्ट्स पे काम करते हैं और हर साल हम अलग अलग टूर्नामेंट्स अरेंज करते हैं और आज के दिन पे आ, परिवर्तन में फुटबॉल की एक लड़कियों की टीम है कबड्डी की एक लड़कियों की टीम है और ये सब साइकिलिंग में लड़कियाँ हैं जो आके प्रोफेशनली साइकिलिंग को देख रही हैं तो स्पोर्ट्स अगेन जैसे हमने कहा रंगमंच के बारे में आ, समुदाय में एक हमेशा रहता है ख्याल कि क्या ये इससे ये कोई करियर चॉइस है क्या बच्चे से कुछ अच्छा कर पाएंगे वैसे खेल को लेकर भी है और वो भी हमें एक जो सोच है उसको बदलनी थी और आज के दिन पे हम इतने साल से अब 10 साल होने को हैं परिवर्तन के पूरे होने को हैं और वो बदलाव अब दिख रहा है जब हम देखते हैं कबड्डी टीम में भी लड़कियां पहले हम बहुत उसमें भी झगड़ा होता था कि शॉर्ट्स नहीं पहन सकते हैं कैसे खेलेंगे क्या करेंगे छोटी छोटी चीजें चीज़ें खाना पीने पे एक ध्यान नहीं देते हैं और व्हेन यू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो हर छोटे एस्पेक्ट पे बहुत Uh, मेहनत की बहुत काम किया हर वर्टिकल एक uh, के लिए एक फैसिलिटेटर हैं एक लीडर हैं जो उस वर्टिकल को uh, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं फील्ड में काम करते हैं तो बहुत मेहनत की सबने मिलकर और आज के दिन पे आप अगर हमारी कबड्डी लड़कियों की कबड्डी टीम को देखेंगे परिवर्तन में uh, तो आपको लगेगा नहीं कि ये टीम पाँच साल पहले खड़ी नहीं थी uh, बहुत ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट और बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़कियाँ जो इसको सीरियसली ले रही हैं इस स्पोर्ट्स को लेके आगे जा रही है, है, level, level हैं कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं स्टेट लेवल नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं और बिहार को रिप्रजेंट कर रही हैं जो अब इन गाँव से निकल के आई हैं तो इसी तरह समुदाय खेल में भी काफ़ी काम हुआ है शिक्षा एक हमारा बहुत ही क्रूशल uh, वर्टिकल है और शिक्षा के अंदर बहुत सारे अलग अलग एज ग्रुप्स के साथ हम काम करते हैं छोटे uh, बच्चों के साथ आंगनवाड़ी सेंटर्स के साथ uh, उनकी सेविकाओं के साथ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज uh, करना एजुकेशन uh, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट uh, एस्पेक्ट है जो सारे कामों को टाई करता है एक साथ आ, तो तीन से छः साल के बच्चों के लिए प्रोग्राम से लेकर हम हाई स्कूल के बच्चों के साथ विज्ञानशाला पर काम करते हैं कंप्यूटर्स पे काम करते हैं लैंग्वेज पे काम करते हैं क्राफ्ट्स पे काम करते हैं आर्ट पे काम करते हैं और हर एक इनिशिएटिव एजुकेशन के अंदर एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए है उसका आ, एक पर्टिकुलर करिकुलम तैयार किया गया है बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ बहुत सारे दूसरे संस्थाओं के साथ मिलकर और आम, ये काम स्कूलों में भी होता है और समुदाय में भी होता है और परिवर्तन कैंपस एक रिसोर्स सेंटर है जहाँ पे भी ये काम होता है तो हमने शिक्षा पे भी काफ़ी काम किया अलग अलग एज ग्रुप्स के बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और अब हम देखते हैं कि कैसे स्कूलों के तरफ से हमें ये रिक्वायरमेंट आती है कि क्या हम ये वर्कशॉप अपने स्कूल में कर सकते हैं क्या परिवर्तन हमारी मदद कर सकता है तो पूरा आइडिया ही यही था परिवर्तन के मॉडल का कि किस तरीके से ये रिसोर्स सेंटर बने और यहाँ से चीज़ें धीरे धीरे स्कूलों में और समुदाय में पहुँचें ये प्रोग्राम्स ये एक्सपर्ट्स परिवर्तन में हर साल एटलीस्ट दस से बारह वर्कशॉप्स ट्रेनिंग कैंप्स आर्ट वर्कशॉप्स होते हैं जहाँ बाहर से एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है किस तरीके से हम इनको अलग अलग गाँव और स्कूल में पहुँचाएँ कि आज के दिन बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ फुटबॉल टीम अपनी खड़ी हो गई है कबड्डी टीम अपनी खड़ी हो गई है वहाँ पे छोटा छोटा लाइब्रेरी का कॉर्नर बन गया है पुस्तकालय पे हम काफ़ी काम करते हैं ल, बुक्स के साथ रीडिंग पे हम काफ़ी काम करते हैं एक छोटा सा साइंस लैब का कॉर्नर भी तैयार हो गया है तो हमें दिख रहा है अब कैसे जो चीज़ें हमने परिवर्तन एज अ रिसोर्स सेंटर में शुरू की थी वो कैसे स्कूल और गाँव तक भी अब पहुँच रही हैं Uh, तो यही uh, एक थोड़ा सा जल्दी से मैंने समअप किया आपके लिए परिवर्तन में हम जो काम करते हैं बट uh, आइडिया यही है और uh, हमने काफ़ी इस पर सोचा है जो हम सुनते हैं ना स्केल अप करना है और आउटरीच uh, पहुंचना है हम ना एक स्केल स्केलिंग डीप के कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं कि कैसे हम uh, एक डिस्ट्रिक्ट सिवान की बात हुई उसमें दो ब्लॉक हैं जीरादेई और आंदर वहाँ पे हमारा काम है अब ब्लॉक के अंदर गांव हैं हमने कुछ बीस इक्कीस गाँव चुने हैं जो हमारा कोर एरिया है उस गांव के अंदर भी टोले हैं एक टो तो, एक गांव के अंदर चार अलग टोले हैं जहाँ जब एक एन बोलता है कि मैं उस गाँव में काम करता हूँ क्या आप उन चारों टोलों तक तो पहुँच रहे हैं क्योंकि उन चारों टोलों में अलग तरीके के समुदाय हैं शायद अलग अलग कास्ट हैं शायद अलग सोशो इकनॉमिक एरिया है तो हम हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम स्केल डीप कैसे करें हम अपना वर्क एरिया बढ़ाएं नहीं बट उसी गांव में हम चारों टोलों तो, तक हर घर तक कैसे पहुंचे तो परिवर्तन का ये मॉडल है कि एक तो जैसे मैंने कहा समेकित इंटीग्रेटेड ये सारे छः वर्टिकल्स एक साथ कैसे काम करेंगे और दूसरा कि हम स्केल डीप कैसे करेंगे तो इसको फोकस लेके हम अभी कोशिश कर रहे हैं हमारे दस साल अब पूरे हो रहे हैं हम कुछ कुछ बदलाव देख रहे हैं बट डेवलपमेंट का काम ऐसा है और इस सेक्टर में काम बहुत है और आगे करने के लिए बिल्कुल कोई भी सुने तो आपका फ़ैन हो जाए आप इतना अच्छा काम करें और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप इतना बेहतर काम करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी थैंक यू सो मच थैंक यू तो आपने अभी अभी सेतिका सिंह को सुना परिवर्तन नाम का एनजीओ चलाती हैं और इन्होंने बताया कि कितना कुछ काम ये और इनकी पूरी टीम मिलकर करती हैं और सुनकर ही पता चल रहा है कि कितना बदलाव जो है इनके वजह से समाज में आ रहा है और ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के प्रयास होते रहें पूरे बिहार में आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं